जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्युत लाइन के पोल में लगे स्टे में करंट उतर आने से 2 से 3 लोगों को जोरदार करंट लग गया। इसमें एक की हालत गंभीर हो गई जिसे परिजन तत्काल इलाज के लिए सैफई अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विद्युत हादसा जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र करहल के गांव राजपुर में हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके गांव में लगे विद्युत पोल की स्टे और पोल में विद्युत करंट दौड़ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार विद्युत कर्मचारी और अधिकारियों से की, लेकिन उनकी समस्या का निदान करने कोई नहीं पहुंचा। दोपहर के समय उसमें दौड़ रहे करंट की चपेट में एक कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के लिए रंजीत जाटव पुत्र विजय स्वरूप उसको बचाने के लिए पहुंचा। वैसे ही उसको भी तेज करंट लग गया और वह भी विद्युत पोल के पास गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए गांव का एक युवक और पहुंचा, उसे भी तेजी के साथ करंट लगा और वह दूर जाकर गिरा। विद्युत पोल के पास गिरे रंजीत को ज्यादा तेज करंट लग जाने से उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन तत्काल उसे इलाज के लिए सैफई अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं ग्राम राजपुर करहल मैनपुरी का रहने वाला हूं। हमारे पड़ोस का ही रहने वाला एक रंजीत नाम का लड़का था, जिसके पिता का नाम श्री विजय स्वरूप था। आज कुछ घंटे पहले आज हमारे यहाँ पे एक खेंच है, लट्ठे की खेंच है, वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है जिसका तार नीचे लटका हुआ है, तो उसमें करंट आने की वजह से रंजीत सिंह सनोब विजय स्वरूप की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ में एक लोग और घायल है, जिसे सैफई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लगभग इसमें कब से करंट आ रहा है? लगभग 8 से 10 साल हो गई हैं और इससे अभी इससे पहले काफ़ी सारे लोगों को बिजली विभाग में काफ़ी सारे लोगों को जानकारी दी, सूचना दी, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं वो? कोई सुनवाई नहीं होती है, आते हैं जाते हैं लोग, देखते हैं और चले जाते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। गुरीप सिंह, तो गुरीप जी आज क्या घटना हुई है? बिजली के लट्ठे के खेच में करंट आ रहा था, जिससे एक 28 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। कौन सा गांव है? और ये ग्राम राजपुर तहसील करहल जिला मैनपुरी। विद्युत विभाग के पोल में इसमें लगभग कब से करंट आ रहा है? 10-12 साल से। किस बारे में आपने? काफी लोगों को सूचित किए पहले भी, जो विमल था उसकी बाह कट गई थी बिजली वाले की, उसको भी सूचित किए थे, फिर वो चला गया बेचारा, दूसरे लोगों को भी बताते रहे। क्या अभी तक बिजली विभाग से कोई आया? कोई नहीं आया, कोई सुधार नहीं हुआ, सबको बताते रहे। आज ये घटना है, ये खेच में करंट आता है, करंट आने में ये कुतिया मरी, कुतिया से कुतिया निकालने की वजह से ये भी लड़का रंजीत गया, रंजीत को करंट लग गया, वह ये भी गिर पड़ा पानी, इसे छुटाने तीसरा आदमी गया, वो भी घूरे गिरा आके इस चक्कर में इसकी मौत हो गई। लाइट के पोल में लगभग कब से करंट आ रहा है? यारा करंट कब लगा? 7-8 साल से। इस बारे में आपने विद्युत विभाग को सूचना दी? सूचना दी, किसी ने सुनाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो लड़के की मौत हुई है वो कितने वर्ष का था, क्या नाम था उनका? रंजीत कुमार सनोब श्री विजय स्वरूप, ये उम्र था लगभग 30 वर्ष। कौन से गांव का मामला है?